माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। शुभ संध्या, यहाँ पधारे समस्त श्रोतागण, समस्त अतिथिगण और मेरे फेलो टॉपर्स। मैं ये मानता हूँ कि यूपीएससी एक बिलीफ का गेम है, भरोसे का। भरोसा पहला अपने आप पर, क्योंकि आप ये एग्जाम देने वाले हो। इस एग्जाम की सक्सेस और फेलियर सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। आपको प्रीलिम्स देना है, आपको मेंस देना है, आपको इंटरव्यू देना है। जब तक आपको अपने आप पर भरोसा नहीं होगा, आप इस एग्जाम में कभी सक्सीड नहीं कर सकते। अगर भरोसा नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आते हुए सवाल को भी आप गलत टिक करोगे, और भरोसा है तो तुक्के भी सही जाएंगे। दूसरा भरोसा भगवान पे, क्योंकि मेहनत सब करते हैं, और मैं मानता हूं कि मुझसे ज्यादा मेहनत यहां बैठे समस्त मेरे फेलो टॉपर्स ने किया है। पर मुझे ये 93 रैंक हासिल हुई है पहले ही अटेम्प्ट में, इसका श्रेय मैं पूरा भगवान को दूंगा। क्योंकि मेहनत में भले अगर गलत डायरेक्शन में भी हो, उनके यहाँ सब काउंट होता है। अगर मैंने गलत डायरेक्शन में मेहनत की है, तो भी अगर मैंने मेहनत की है तो मुझे सफलता मिलेगी। तो मेहनत करो, लेकिन मेहनत के साथ भगवान पर भरोसा भी रखो। तीसरा भरोसा हमें मार्गदर्शन देने वाले समस्त प्राध्यापकों पर हमें होना चाहिए। जो सीख वो हमें दे रहे हैं, जो शिक्षा वो हमें दे रहे हैं, उसे पूर्ण रूप से ग्रहण करें और पूर्ण रूप से पालन करें। दुर्योधन अंतिम दिन तक जीत सकता था युद्ध में, पर उसके हार का कारण यह था कि वो अपने बड़ों की बात कभी नहीं मानता था। उसने भीष्म पितामह की बात नहीं मानी, द्रोणाचार्य की बात नहीं मानी, अंततः अपनी माँ गांधारी की भी बात नहीं मानी। गांधारी ने उससे कहा था कि जाओ गंगा में स्नान करके आओ, जिस भी नदी में, नदी मुझे याद नहीं है, नदी में स्नान करके आओ और मेरे सामने नग्न रूप में आके खड़े हो जाओ, जैसे एक बालक अपनी माँ के सामने खड़ा होता है। पर दुर्योधन अपने एक अज्ञानतावश श्री कृष्ण जी उसे रास्ते में मिल गए, तो श्री कृष्ण जी ने उसकी अज्ञानता का फायदा उठा लिया और उससे कहा कि नग्न वेश में कौन अपनी माँ के सामने जा सकता है, कम से कम केला तो लपेट लो। तो केले की जो केले का जो पत्ता होता है वो उसने लपेट लिया और तब वो अपनी माँ के सामने गया। उसकी माँ ने, जिसने पूरे जीवन भर अपने आंख पर पट्टी बांध रखी थी, वो पट्टी पहली बार अपनी बेटे को, अपने बेटे के शरीर को वज्र का बनाने के लिए उसने अपनी आंख की पट्टी खोली और अपनी आंख में जितनी भी उसकी शक्ति थी, जो पवित्रता थी, जो सतीत्व था, उससे अपने बेटे के पूरे शरीर को वज्र का बना दिया। परंतु जो भाग उसने केले के पत्ते से ढक रखा था वो केवल दुर्बल ही रह गया। तो इसलिए आगे जाके उसकी भीम से उसका युद्ध हुआ, तो उस दुर्बल जगह पर भीम ने वार किया और दुर्योधन की पराजय हुई। तो अपने बड़ों का कहना यदि उसने मान लिया होता तो दुर्योधन 18वें दिन नहीं, पहले दिन ही जीत गया होता। तो हमेशा आपके बड़े जो भी आपको समझाइश दें या आपके मार्गदर्शक जो भी आपको बताएं, उनका पूर्ण रूप से पालन करें और अपनी समझाइश उसमें लगाने की कोशिश मत करें। और चौथा भरोसा इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर। मैं एक बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आता हूँ। मेरे पापा पेट्रोल पंप पे काम करते थे, अब वो नहीं करते हैं। तो उसके बाद भी यदि मुझे ये सक्सेस मिली है तो मैं इसका श्रेय अपनी कंट्री की डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को भी देना चाहता हूँ। क्योंकि हमारी कंट्री का लोकतांत्रिक व्यवस्था ऐसी है जिसमें मेरे जैसे व्यक्ति को और मुझसे भी कई अधिक निर्धन व्यक्तियों को भी ये मंच मिलता है, जहां मैं आपको संबोधित कर पा रहा हूं इतनी कम आयु में। तो मैं चाहता हूं कि ये हमारे देश की एक व्यवस्था भी इतनी मजबूत है जो हमारे पुरखों का दिया हुआ है, जिससे मुझे ये सफलता मिली है। और आखिरी में तो मैं यही कहूंगा कि अपने आप को कभी अंडर एस्टिमेट मत करें, क्योंकि ये तो एक केवल यूपीएससी की एग्जाम है। मनुष्य में तो वो ताकत होती है कि पर्वत को तोड़ सकता है, पत्थर को पिघलाकर पानी बना सकता है। तो यूपीएससी तो केवल एक छोटा सा एग्जाम है। हाँ, इसे कई लोग क्लियर नहीं कर पाते हैं, कई लोग क्लियर कर लेते हैं, कई लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में, कई लोग सिक्स्थ अटेम्प्ट में, पर क्लियर होता है। और हो सकता है कि जिंदगी ने आपके लिए कुछ अच्छा सोच रखा हो। एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ गुड रीजन। आपके लिए कुछ अच्छा सोचा हो, इसलिए हो सकता है आप इस एग्जाम में सक्सीड नहीं कर पा रहे हो। पर भरोसा रखो, और मुझे भरोसा है आप पे और मुझ पे। आप पे इसलिए क्योंकि ये मराठाओं का एक संघर्ष का प्रतीक है। पुणे सिंहगढ़ के किले से आप प्रेरणा लो, शिवाजी से प्रेरणा लो, पेशवा बाजीराव से प्रेरणा लो, और सिंहगढ़ के किले से प्रेरणा लो। मुझसे और हमसे प्रेरणा लेने की आवश्यकता नहीं है, ये पुणे आपको बहुत प्रेरणा दे सकती है। तो आप तो खुद पुणे के वासी हो, तो पुणे से प्रेरणा लो और इस एग्जाम में सक्सीड करो। और दूसरा भरोसा मुझे अपने आप पर है कि मैं एक सच्चा और अच्छा अधिकारी बन के दिखाऊंगा। मुझे किसी चीज का लोभ नहीं है, मैं केवल और केवल जनता के लिए ही काम करूंगा। अंत में तो केवल मैं इतना कहूंगा कि बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं। पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं। निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। धन्यवाद।